Hello everyone, I'm Sarvesh from Manzil Institute and our today's topic is ocean streams. So let's begin. Our first question is, a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Find the speed of the boat. ये हमारे ऑप्शंस हैं. अब इन क्वेश्चंस को हमें ऑप्शंस के थ्रू करना ज़्यादा बेटर रहता है. बस हमें इक्वेशंस बनानी है पहले. अब बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है एंड 44 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम. देन द बोट टेक्स 10 आवर्स टुगेदर एंड इन द सेकंड कंडीशन द बोट ट्रैवल्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड द बोट टेक्स 13 आवर्स टुगेदर. अब हमें इसमें इक्वेशंस बनानी है. जब वो यहाँ ट्रैवल कर रहा है एंड जब वो यहाँ ट्रैवल कर रहा है, स्पीड डाउनस्ट्रीम और स्पीड अपस्ट्रीम को हम ऐसे लिखेंगे, एस डी एन एस डी, जिस भी वैसे आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ए बी. वैसे हमारी स्पीड डाउनस्ट्रीम होती है बोट और रिवर की एडिशन एंड हमारी स्पीड अपस्ट्रीम होती है बोट और रिवर का सब्ट्रैक्शन, माइनस हो जाता है बोट में से रिवर की स्पीड. सो अब 30 किलोमीटर जब वो अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है तो टाइम उसे लग रहा है 10 आवर्स. टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड इन अपस्ट्रीम एंड फॉर दैट स्पीड इज स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम. सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो दैट इज इक्वल टू 10. ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन. अब हमारी सेकेंड इक्वेशन है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स. ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन. अगर अब हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाती है वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है. इसकी एक अलग इक्वेशन आगे निकालनी होगी, इसकी एक और निकालनी होगी. तो ये हमारा रहता है खुद थोड़ा ऑप्शंस की हेल्प से खुद थोड़ा हमें इसमें जज करना होता है कि क्या मल्टीपल लेंगे. जैसे यहाँ पे स्पीड डाउनस्ट्रीम, यहाँ पे स्पीड डाउनस्ट्रीम, तो इस केस में 44 डिस्टेंस, इस केस में 55 डिस्टेंस. यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट्स में नहीं है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है, जो आर्स है दैट मीन्स ये पूरा पूरा कट हो जाएगा. चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो इस इक्वेशन में बात करियो. तो अगर ऊपर 44 है और यहाँ पे 45 है, यहाँ पर वैल्यू तो नीचे सेम ही आएगी क्योंकि डाउनस्ट्रीम स्पीड आपकी सेम रहेगी. तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो 11 के मल्टीपल से ही डिवाइड होंगे. ये 5 पे भी हो रहा है बट 5 पे ये नहीं हो रहा. अगर हमारी स्पीड डाउनस्ट्रीम 5 लेते हैं हम, तो ये 5 में हमारा डिवाइड नहीं होगा जो कि फिर फ्रैक्शन में देगा आंसर इस पार्ट का. तो हम 11 अगर इसको कंसिडर कर लें, ये हमारी जो स्पीड डाउनस्ट्रीम है अगर हम उसको 11 कंसीडर कर लें तो ये क्या आ जाएगा, 4. ये 4 यहां जाके माइनस होगा, ये 4 यहां जाके माइनस होगा अगर हमने यहां 11 पुट किया. तो 10 में से 4 गए 6. सो 30 अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 6. ये कटकर हमारी स्पीड अपस्ट्रीम आ जाएगी 5. दैट मीन्स बी प्लस आर इज इक्वल टू 11 एंड बी माइनस आर इज इक्वल टू 5. अब हम यही यहाँ पे पुट करके देखेंगे, वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए. जब यहाँ पे हमने 11 पुट किया, ये 5 आ गया, 13 में से 5 जाके यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 8 आ गया. 40 अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 8. तो आपका स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या आ गया, 5. तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम 5, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम 11. ये दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गए. अब यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे हमारा 2b आ जाएगा 16 एंड हमारा b आ जाएगा 8. ऐसे अगर उन्होंने r फाइंड आउट करने के लिए बोला तो हम इन दो इक्वेशन से हमारा r फाइंड आउट कर लेंगे. आई होप ये क्वेश्चन इस वे से ऑप्शंस के थ्रू, हमने इसमें ऑप्शंस का इतना यूज नहीं किया बट स्टिल अगर ऑप्शन से भी करते तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता, वो थोड़ा इजी हो जाता क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है. अगर हमारे पास बी आर क्वेश्चन में गिवन होता ऑलरेडी तो हम पूरा पूरा ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारी सिर्फ जजमेंट है. जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो हमारा ऑप्शन के थ्रू हो जाएगा प्योरली क्योंकि उसमें एक चीज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. Now we will do the second question. A motorboat can travel at 10 km per hour in still water. It traveled 91 km downstream in a river and then returned altogether taking 20 hours. Find the rate of flow of river. Options given है. उन्होंने बोला एक motorboat है वो travel कर रही है 10 km per hour की speed से. That means हमारा जो speed of the boat है वो हमारा 10 km per hour. Then it traveled 91 km in downstream
एंड रिटर्न बैक, तो रिटर्न बैक में भी इसने 91 ही ट्रैवल किया, तो अपस्ट्रीम में उसने 91 ट्रैवल कर दिया, बट उन्होंने उसका टाइम बोला दैट ऑल टुगेदर इट टेक्स 20 आवर्स, मतलब जो अपस्ट्रीम में टाइम लेगा एंड वो जो डाउनस्ट्रीम में टाइम लेगा वो दोनों का मिलाकर 20 घंटे लगे। तो अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 20 आवर्स। टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 91 इन बोथ द केसेस। अब यहाँ पे हमारा स्पीड क्या आएगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 20। बट हम यहाँ पे ये ऐसे वेरिएबल से रिप्रेजेंट करने से बेहतर हम बी प्लस आर और बी माइनस आर लिख देंगे, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द रिवर, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द रिवर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मुझे बी की वैल्यू गिवन है, तो बी प्लस आर एंड बी माइनस आर इज इक्वल टू 20। अब बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी 10 गिवन है, तो हम यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। अब हम उठाएंगे ऑप्शन से, क्योंकि उन्होंने हमें आर ही निकालने के लिए बोला है, हमारे पास बाकी सारा कुछ गिवन है। आर आपका फर्स्ट ऑप्शन है 6, अगर मैं यहाँ पे 6 पुट करूँ नंबर ऐसा आना चाहिए जो आपका 91 जिसे डिवाइड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 91 है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही नंबर आएगा जो 91 जिसका फैक्टर हो, तभी जाके हमारा आंसर 20 आएगा, अदरवाइज ये फ्रैक्शंस में आ जाएगा। अब 6 जब आप पुट करेंगे, 10 प्लस 6 16, 91 10 से 6 गए 4, तो 91 ना तो 4 का फैक्टर है ना तो 16 का फैक्टर, तो इससे हमारा आंसर फ्रैक्शंस में आएगा। नेक्स्ट 3, अगर मैंने यहाँ 3 पुट करा तो 10 प्लस 3 13, 91 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे एंड 91 को यहाँ जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो जब आपने 7 से डिवाइड किया 91 को तो ये आपका आ जाएगा 13, जब आपने इसको 13 से डिवाइड करा ये आ गया 7, तो 7 आवर्स प्लस 13 आवर्स ये हमारा आंसर था 20 आवर्स। तो 3 किलोमीटर पर आवर हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दी, जो कि हमारा आर के लिए आंसर होगा। सो हमारा स्पीड ऑफ द रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हो। थैंक यू।